हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप फ्री नोर उनके गैंग से क्या चीजें खरीदना चाहेंगे? कंफ्यूज? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फ्री नोर उनके गैंग की कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। जैसा कि आप सभी इन पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्रीन अपने गैंग के साथ हांगकांग की रोड साइड पर डिज्नी की कुछ चीजें सेल कर रही हैं, जहां वे रात में बैठकर रोड साइड पर चीजों को सेल करते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, एक पर्सन उनसे बात भी कर रहा है, जहां फ्रीन इसके बाद स्माइल करते हुए कितने क्यूट लग रही है। सच में ये सब इतने क्यूट लग रहे हैं, अगर इतने अच्छे सेलर हो तो कोई कैसे मना कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इनसे सब चीज़ों को खरीदना चाहूंगी। अगर आप होते तो क्या आप इनसे चीज़ें खरीदते? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रीन के हाउस की। फ्रीन ने हाल ही में फैशन वर्ल्ड के इवेंट के इंटरव्यू में बताया है कि अब वे जल्द ही अपना हाउस खरीदने वाली हैं। इसके लिए उन्होंने कई हाउस देखे भी हैं जो उनके लिए कम्फर्टेबल हैं। फ्रीन ने बताया कि उनकी मॉम फाइनेंस को संभाल रही हैं, क्योंकि फ्रीन को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी मॉम इसे अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। और ये बात सही भी है, इतना हम लोगों को नहीं पता होता जितना हमारे पेरेंट्स को पता होता है। इसके बाद जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उनका हाउस 40 मिलियन के आसपास है, तो फ्रीन ने बताया कि वो इतना रिच नहीं है, वो ये क्लियर नहीं बता सकती कि हाउस कितने का होगा। हम बस यही होप करते हैं कि फ्रीन जल्द से जल्द अपना ड्रीम हाउस खरीदे। इसके बाद बात करते हैं फ्रीन बेकी की इन पिक्चर्स की, जहां ये सभी हमें एक सॉन्ग पर एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन पीछे नामों को समझ नहीं आ रहा कि वो बेकी के साथ क्या करने का ट्राई कर रही हैं। मैंने आपको बताया था कि हॉलीडेज के बाद फ्रीन बेकी काफी बिजी होने वाले हैं, और हम इन पिक्चर्स में देख भी सकते हैं। और इधर फ्रीन और नामू खाते समय देखिए कैसे स्माइल कर रहे हैं। पीछे शायद कुछ काउंटडाउन चल रहा है, मे भी हो सकता है किसी चीज का। एनीवे, जो भी हो, हम बस इन्हें ऐसे ही हैप्पी देखकर हैप्पी हैं। और अब बात करते हैं बेकी की। ये पिक्चर है बेकी के वीवो मोबाइल न्यू एड की। इसमें कई स्टार्स हैं, लेकिन हमें पता है हम बस केवल बेकी को ही देखना चाहेंगे। और बेकी इस एड प्रमोशन में काफी ब्यूटीफुल भी लग रही है। देखते हैं ये एड कब रिलीज होती है। और अब बात करते हैं इन पिक्चर्स की। क्या आप जानते हैं कि ये पिक्चर्स क्या है? ये पिक्चर है बेकी के न्यू JUV इवेंट की, जो 16 मार्च को होने वाला है, वो भी लाइव। और बेकी की सभी डिटेल आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इवेंट के बारे में क्या क्या है। और इन पिक्चर्स के बारे में मैं क्या कहूँ, आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि फ्रीन फर्स्ट फेवरेट फीमेल आर्टिस्ट हैं और बेकी सेकंड नंबर पर है, जो कि ये इनके आने वाले अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है, जिसका नाम है स्टार पोल अवार्ड। अभी इसकी क्लियर डेट आउट नहीं हुई है कि ये अवार्ड कब होने वाला है। आई होप जैसे ही फ्रीन बेकी का नंबर वन पर नेम है, वैसे भी अवार्ड इन्हें ही मिलने वाला है। जैसा कि फ्रीन बेकी का नाम अवार्ड के लिए नंबर वन और नंबर टू पर है, उन्हें देखकर लगता है कि अवार्ड इन्हें ही मिलने वाला है, तो हम अभी से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं। और आगे है आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों, यही थी बस हमारी आज की न्यू अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।